अच्छा मुझे तीन चार गेम्स नज़र आई यहाँ पे. पहली गेम जो मुझे नज़र आई है दैर इज़ बाउलिंग, और उसके साथ है गन शूटिंग, फिर उसके साथ है आर्चरी, और उसके बाद है बच्चों के लिए आई गेस वो क्लाइंबिंग का बना हुआ है, लेकिन हम सारी स्पोर्ट्स ट्राई करेंगे. अच्छा मज़े की चीज़ जो है वो ये है कि पीपल एक्चुअली प्लेइंग द गेम्स राइट नाउ एज वेल. यहाँ पे जो बाउलिंग की गेम है नॉर्मली क्या होता है कि दैट्स एन इंडोर स्पोर्ट, आपने इसको इस तरह से नहीं देखा होता, बट दैट्स आउटडोर स्पोर्ट राइट हेयर इस रिजॉर्ट पे आपको मिलेगी. सो वो ट्राई करते हैं, उसके बाद जो बाकी स्पोर्ट्स उनको भी ट्राई करते हैं. ओके आई एम गोना ट्राई द बाउलिंग, सो अभी देखते हैं कि कितने हिट कर पाती हूँ. लेट्स सी. वाह वाह वाह, तीन रह गए, दैट्स फाइन. सेकंड टर्न में वो भी हो चले जाएंगे, वी गोना डू दैट एज वेल. अच्छा खैर बाउलिंग तो कर ली हमने, और एज आई मेंशनड अर्लियर एज वेल कि इस जगह की मज़े की चीज़ ये कि बाउलिंग बेसिकली इज एन इंडोर गेम, लेकिन यहाँ पे ये आपको आउटडोर में भी मिलती है. तो अगली जो है गेम दैट्स गन शूटिंग, वो ट्राई करते हैं हो पाती है कि नहीं. दैट्स द राइट. लगा भी है कि नहीं मुझे पता नहीं चला, पता नहीं, इग्नोर करते, बट इट वॉज फन. इट वॉज अ वेरी फन एक्टिविटी, और अभी करीब चल के देखते हैं कि स्कोर क्या हुआ है. चूंकि इट इज इन पिंक, तो पिंक का मतलब है इट्स सिक्स. इट्स गुड, इतना भी बुरा स्कोर नहीं है, इट्स क्वाइट गुड. सो ये वाटर स्पोर्ट्स के अलावा स्पोर्ट्स थी विच आई जस्ट इन्जॉयड, और अभी जिस अगली गेम पे हम जा रहे हैं इट्स वेरी कूल गेम, अभी नहीं बताऊंगी उसका आपको, मैं वहाँ चल के बताऊँगी. द नेक्स्ट एक्टिविटी विच आई एम गोना डू इज जिप लाइन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. तो सबसे पहले जाके उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसको ट्राई करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है. साउथ एशिया लॉन्गेस्ट वाटर बॉडी जिप लाइन पे वेलकम. अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू. मैं एक्चुअली उसकी हाइट ही देख रही थी कि कितनी हाइट है उसकी. ये टावर तकरीबन 120 फीट हाइट टावर है. अच्छा. और 1.2 किलोमीटर जिप लाइन है हमारे पास, और पाकिस्तान में फर्स्ट जिप लाइन है जो वाटर बॉडी पे. अच्छा पहली जिप लाइन है जो वाटर बॉडी पे, मतलब हम वाटर के थ्रू ऊपर से होते हैं. बिल्कुल, आप वाटर के ऊपर से जिप लाइन करके जाएंगे, वापसी पे आपको बोट लेके आएगी. अच्छा. जेट्स की और बोट दोनों अवेलेबल हैं, आप जेट्स की के थ्रू आ सकते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं. वापस जिप लाइन से आप जेट स्की के थ्रू आ सकते हैं और बोट के थ्रू आ सकते हैं. इसी तरह इसी और जिपलाइन की आपने लेंथ कितनी बताई है? 1.2 किलोमीटर जिपलाइन है. 1.2 किलोमीटर रिसॉर्ट लेक के ऊपर, ये खानपुर डैम पे. और इस पे सबसे पहले जब कस्टमर आ रहे हैं, हमारे पास टिकट काउंटर है, मौसम यहाँ पे बैठे हुए हैं. एब्सोल्युटली टिकट लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम, टिकट जिपलाइन की चाहिए, प्राइस क्या है इसकी? 2500. बहुत रीजनेबल प्राइस है, इट्स 2500. तो बस फिर चलते हैं, ट्राई करते हैं पहले पर गियर्स पहले, राइट? इंक्लूडिंग बोटिंग, आपको वापसी पे ऐसी टिकट में बोटिंग भी इंक्लूड है. ओह नाइस, 2500 में वापसी पे जो बोटिंग है या जेट स्कीइंग है वो भी इसी में इंक्लूडेड है. सो अभी चलते हैं, पहले गियर्स पहनते हैं और उसके बाद फिर जिपलाइन करते हैं. ये हमारा इक्विपमेंट डिस्प्ले है यहाँ पे. सही सही, बहुत मज़े मज़े के इक्विपमेंट्स हैं. सही हो गया, ठीक है. थोड़ा सा एक तो मुझे इनकी डिटेल्स ही बता दीजिएगा. अच्छा ये हार्नेस है, पहनते पहनते ठीक है, फुल बॉडी हार्नेस है ये. सही. ये हम पहनाते हैं इसको राइट, आपने लेफ्ट. ठीक है. ये हो जाएगा बंद? हाँ हो जाएगा, अभी बस हेलमेट पहनेंगे और उसके बाद वी गोना गो अप. अच्छा इस जिपलाइन की एक और ख़ास बात ये है कि आपने जो ऊपर जाना होता है यू गो थ्रू द लिफ्ट,
जो कि मैंने ये चीज़ कहीं पे नहीं देखी, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं देखी. ऐसे ही है ना, मैं गलत तो नहीं बता रही ना? सो दैट्स राइट, क्योंकि मैंने भी अभी तक इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है. सो आप अभी लिफ्ट नीचे आएंगे एंड देन वी गोना गो अप, व्हिच इज़ लाइक 120 फीट हाइट पे है, और चल के देखते हैं हाउ इट गोज. All set to go for zipline, और हम लोग 120 feet की height पर ऊपर आए हैं through the lift, और यहाँ पर view भी इतना खूबसूरत है. यहाँ से you could see the blue lake जो आपको clearly नज़र आ रही है, और उसके साथ यहाँ पर parasailing भी हो रही है, boats चल रही हैं, बड़ा खूबसूरत view है. और आप सोच रहे हैं कि view के साथ, इस खूबसूरत सारे view के साथ आप zipline करेंगे, how is it going? मैं तो बहुत ज़्यादा excited हूँ and I guess I'm ready to go, they all are ready. तो अभी हम zipline करते हैं, और फिर इसके साथ जो है मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी. लेट्स डू इट. आई एम ऑल सेट फॉर द ज़िप लाइन. वी आर ऑन द ड्राई पैच राइट नो एंड इट वाज सो फन. हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स अनदर वे यू कुड सी कि उन्होंने वो स्टिक पकड़ाई है उसके लिए इट वुड बी इजी कि आप पकड़ के आ जाए. एंड वी हैव बीन सो मच फन. आई हैव डन जिप लाइन और बहुत मज़ा आया. मैंने इससे पहले भी की थी लेकिन बहुत शॉर्ट थी, वॉज लाइक 300 की उसकी मीटर्स की रेंज थी, बट इट वॉज सो मच फन. तो अभी बस हम इसको अनडू करेंगे, सारी चीज़ें उतारेंगे एंड देन वी गोना गो बैक थ्रू द बोट. बोट के थ्रू हम वापस जाएंगे. वैसे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एज ए सेड अर्लियर, आप बोट के थ्रू भी जा सकते हो, जेट स्की के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन बोट इज वेटिंग देयर, सो वी गोना गो बैक. लेकिन ये है कि चूंकि सर्दी है, ठंड बहुत लगी थी. वैसे बहुत मज़े का एक्सपीरियंस, आई वॉज गुड, कोई डर वर वाला सीन नहीं है, बस थोड़ी ठंड लगती है सर्दियों में, अदरवाइज इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस.